यार ये फोन फिर से काम नहीं कर रहा, क्या हो गया से? सचिन, हाँ प्रीत। सचिन मैं क्या बोल रही थी, मैं एक नया फोन ले लूं, आईफोन। नया फोन? प्रीत क्यों, क्या हुआ? इस फोन में कुछ दिक्कत आई क्या? नहीं सचिन, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, पर ये ना थोड़ा पुराना सा हो गया है और मेरे सारे फ्रेंड्स के पास ना आईफोन है, तो मैं भी सोच रही हूँ कि मैं ले लूँ। और उसकी ना कैमरा क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और तुम्हें तो पता है ना कि मुझे फोटो क्लिक कराने का कितना शौक है। अच्छा वैसे कौन सा फोन और कितने में आ जाएगा? मैं सोच रही हूँ कि आईफोन 15 ले लूँ, नया नया आया है तो सब कुछ अच्छा ही होगा उसमें। और मैंने पता करा है उसका प्राइस, वो ना सिर्फ 80,000 तक का आ जाएगा। 80,000? हाँ 40 मेरे पास पड़े हुए हैं, अगर 40 तुम दे देते तो मैं ले लेती। हाँ 40 तो मैं कर लूंगा, मतलब सेविंग्स तो है मेरे पास। तुमको भेज दूंगा तुम्हारे अकाउंट में, है ना? तुम फिर ले लेना फोन, आईफोन जो भी तुम्हें चाहिए। ठीक है। वैसे सचिन तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मैं इतना महंगा फोन ले रही हूँ, अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो, मैं नहीं लूंगी। अरे नहीं नहीं अभी इसमें दिक्कत कैसे, तुम्हें चाहिए फोन, तुम्हारी पसंद का फोन है आईफोन, तो मैं तो दिलाऊंगा ही ना, तुम ले लो कोई बात नहीं। ठीक है, मैं ना ऑनलाइन चेक करती हूँ, शायद कोई डिस्काउंट मिल जाए। हाँ जाओ देखो। इतनी गर्मी है प्रीत। अरे सचिन आ गए तुम? हाँ वो थोड़ा पानी लिया ना। हाँ मैं लेकर आती हूँ। ये लो सचिन। थैंक्स। इतनी गर्मी है, भर कढ़ाई सूख गया। सचिन ये देखो। ओ ले लिए फोन, वाह नाइस, काफी अच्छा लुक है इसका। वैसे कितने का पड़ा? 80 का ही? नहीं नहीं वो HDFC के कार्ड पे ना 5,000 का डिस्काउंट मिल गया, 75 का पड़ा मुझे। ये तो बढ़िया हो गया। ठीक है फिर इसे यूज करो और अच्छी अच्छी फोटोज खींचो। वाओ यार क्या हुआ? नहीं मतलब ये फोन तुम्हारे हाथ में कितना अच्छा लग रहा है। हाँ अब इतना महंगा फोन है और इतना अच्छा भी, तो हाथ में अच्छा ही लगेगा। तो सचिन एक काम करो ना, ये फोन तुम ही रख लो। मैं रख लो? फिर तुम ये क्या बात कर रही हो, ये तुम अपने लिए लेके आई हो ना, तो फिर मैं कैसे, वैसे भी इतना महंगा फोन है, मैं क्या करूंगा इसका? फिर पहना फोन, उसे यूज कर लूंगा मैं, तुम रखो इसे। किसने कहा कि ये फोन मैं अपने लिए लेकर आई हूँ? ये फोन ना मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। मेरे लिए? जी हाँ तुम्हारे लिए। उस दिन अपने बॉस से बात कर रहे थे ना अपने फोन पे, सब कुछ सुन लिया था मैंने। हाँ सर मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, मेरी गलती है, आई एम रियली सॉरी, पर मैं क्या करूँ, मेरा फोन ही खराब हो गया था इसलिए मैं मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाया, आई एम सॉरी सर। नहीं नहीं सर मैं एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। जी सर मैं आगे से ध्यान रखूंगा आप। जी क्या करूँ इस फोन का, इन्हें मुझे पक्का जॉब से बाहर निकलवाएगा। नया फोन ले लो क्या? सेविंग्स तो है मेरे पास, नया फोन तो आ जाएगा। नहीं यार इसमें तो ऑलरेडी बहुत खर्चे हैं, नया फोन लूंगा तो फिर सोचता हूँ कुछ टाइम बाद फोन लेने का, अभी इससे काम चलाता हूँ। अरे हाँ पहले बॉस को PDF भेज दो। अब क्या हो गया से? नहीं यार क्या खुद से तो नया फोन लेने नहीं वाले, मुझे दिलवाना पड़ेगा। तो तुमने ये फोन इसलिए लिया क्योंकि मेरा फोन खराब था और ताकि तुम मुझे दे पाओ फोन? हाँ क्योंकि तुम्हें जरूरत थी और तुम ले ही नहीं रहे थे, तो मुझे ना अच्छे से पता था कि तुम अपने लिए फोन लोगे भी नहीं, इसलिए मैंने अपना बहाना बनाया और तुम्हारे लिए फोन ले लिया। प्रीति तुमने क्या किया, इसकी क्या जरूरत थी? हाँ मानता मेरा फोन खराब था पर उससे काम चल रहा था मेरा, और कितना महंगा फोन है ये, इसका मैं क्या करूंगा, मेरे लिए एक फालतू खर्चा ही है। फालतू खर्चा कहाँ है सचिन, तुम्हें भी पता है तुम्हारे ऑफिस का आधे से ज्यादा काम तुम्हारे फोन में होता है, इतनी सारी मीटिंग्स अटेंड करनी होती है तुम्हें जो तुम अपने इस खटारे से फोन में कर नहीं पा रहे थे। और तुम्हें पता है फालतू खर्चा किसे कहते हैं? उसे जब मैंने तुमसे फोन मांगा था वो भी ये कह के कि मुझे फोटोज क्लिक करनी अच्छी लगती है, और तुमने एक बार भी मना नहीं किया और दिलवा दिया, तो फालतू खर्चा ना उसे कहते हैं, इसे नहीं।
प्रीत मैं कैसे मना करता, तुमको चाहिए था फोन, तुमको पसंद था तो मैं दिलाऊंगा ही ना, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। तो मेरे पति देव, अगर आप मेरे लिए इतना कर सकती हो तो मुझे भी तो मौका दो ना कि मैं आपके लिए कुछ करूं। तो ये फोन ना आपका है, तो इसे प्लीज रख लो। अच्छा बाबा ठीक है, अब से मैं इसे यूज करूंगा। ओके एंड थैंक यू इस फोन के लिए। गुड बॉय, तब एक काम करो, फटाफट इस नए फोन से ना हमारी बढ़िया सी सेल्फी खींचो। हाँ हाँ जाओ।